हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक्चुअली स्टूडेंट, योर लास्ट टॉपिक वाज एवैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड देयर वर यू नो अबाउट द हाउ विल यू वैल्यूड द गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड व्हाट नेसेसरी जनरल इंटरव्यू विल बी पास एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर। व्हेन एनी पार्टनर गोइंग आउट फ्रॉम द फर्म, दैट टाइम ही हैव अ राइट to take capital, to take reserve, to take goodwill. So for the goodwill, there will be calculation for the payment of goodwill to the retiring partner, and the entry will be gaining partner's capital account debit to retiring partner. तो वहाँ आपने एंट्री पढ़ी थी, ये मैं एक बार लिख देता हूँ, gaining partner's capital account debit to retiring partner. थोड़ा सा एंट्री में अगर मैं एडजस्ट कर दूं, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह है गुडविल की एंट्री। अगर मैं पूछूं बेटा कौन सी गुडविल की, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये अंदर वाली गुडविल का है? नहीं बेटा, ये बाहर वाली गुडविल का है। द गुडविल विच आर वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हियर द चेंजिंग ड्यू टू रिटायरमेंट, अ पार्टनर हु आर गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, दैट्स वाई यू फर्म आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्टेड। आपका ओल्ड रेशियो का ब्रेक होगा और न्यू रेशियो बनेगा, दैट्स टाइम अ गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा, एंड आउट ऑफ गुडविल द पार्ट ऑफ गुडविल और द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी गिवन बाई द गेनिंग पार्टनर, हु विल गेन मोर, दे हैव टू पे गुडविल मोर। तो पिछले वीडियोज में दो क्वेश्चन बताया गया था, आज भी मैं दो क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट अगर आपको समझा दूँ, तो सर जो गेन करेगा वो तो डेबिट होगा, ये तो पता है। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर को अगर मैं ये कह दूं कि रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट मत करो, आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो, तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ ज्यादा नहीं बोला मैंने, मैं बोल रहा हूं कि मैं कह रहा हूं रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट ना करो, आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो जो सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट तो लग रहा है, लेकिन ये बताओ बेटा, अगर ये पूरे फर्म का कैपिटल होता, पूरे फर्म का शेयर होता, इसमें तीन लोग वर्क कर रहे होते, सपोज दैट ए है, बी है और सी है, और इसमें से अगर आपका बी जाता, तो बी, मैं कह दूं कि बी का रिटायरमेंट हो रहा है, तो आप ये भी तो समझेंगे कि बी अपना ये पार्ट ऑफ शेयर जिसमें बी रहता था, बी अभी से एरिया को अगर खाली कर देगा, तो बी ने अपने पार्ट ऑफ शेयर को सैक्रिफाइस भी तो किया, बात बराबर है ना। और जब बी को रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिल रहा है, तो आप तो एक वे में ये समझ रहे हैं कि सर रिटायरिंग की वजह से पैसा मिल रहा है। नहीं बेटा, उसने अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया ना, दैट्स व्हाई ही इज एलिजिबल टू टेक सम पार्ट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर एडमिशन के केस में आप किसी पार्टनर को गुडविल का पैसा देते थे, तो क्यों देते थे? क्योंकि वो सैक्रिफाइस करता था। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। अभी यहां पे जो ओल्ड पार्टनर, उसमें से अगर कोई पार्टनर आपका जा रहा है, जो ये शेयर आपका है, ये इतना शेयर बी के बराबर का शेयर, तो ये शेयर कहीं ना कहीं अभी लेगा नहीं बाद में, भविष्य में, तो इसने क्या किया, इसने अपने इस पूरे शेयर को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। तो अगर इसने इस पूरे शेयर को सैक्रिफाइस कर दिया, तो इज एलिजिबल टू टेक अमाउंट ऑफ गुडविल, उसे गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर शेयर को जो लेगा वो क्या कहलाएगा, चाहे ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये क्या करेंगे सर, ये गेन करेंगे। तो वैसे तो हमने एंट्री पढ़ी है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, लेकिन अगर मैं आज कह दूं कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अब ये तो इत्तेफाक की बात है कि जो रिटायर हो रहा है वो सैक्रिफाइस हो रहा है, इसलिए हमें पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन एंट्री आपकी हमेशा यही चलती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। ये क्वेश्चन उसी बेस्ड पे है, और ऐसा ना हो कि ऐसे क्वेश्चन आपसे ना लगे, ये भी जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 24A क्वेश्चन नंबर है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है, हो सकता है किसी में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो, सो आप उसको कर लीजिएगा आगे पीछे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जो है बोर्ड पे लिख दिया है,
तो चलिए स्टार्ट करें। ए बी एंड सी वो पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। व्हाट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 6:4:5। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देयर कैपिटल वर 1 लाख, बी का 80,000 एंड सी का 60,000। ऑन 1 अप्रैल 2018 बी रिटायर, बी का क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है फ्रॉम द फर्म। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल 11:4। अब ये न्यू रेशियो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 11:4। ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म, जिस समय बी का रिटायरमेंट हुआ उस समय फर्म की गुडविल का क्या हुआ, वैल्यूएशन हुआ और कितना हुआ, 1,80,000। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए फर्म टोटल गुडविल आर वैल्यूड 1,80,000। पास द जनरल एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। सो स्टूडेंट्स, तो मैं ये आपको फिर से बता रहा हूँ कि देखो एकदम इजी कंसेप्ट है कि जब भी बेटा आपको ओल्ड रेशियो किसी क्वेश्चन में दे दे और न्यू रेशियो दे दे तो आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि ये केस रिटायरमेंट का है तो जरूरत आपको किसकी है, आपको जरूरत है गेनिंग रेशियो की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर बेटा ओल्ड माइनस न्यू करते तब क्या होता, तब तो सर सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला हो जाता। अभी हमें गेनिंग कैलकुलेट करना है, हम बचे हुए पार्टनर का ही गेनिंग कैलकुलेट करते हैं। कितने पार्टनर बच रहे हैं, ए और सी। रिटायरमेंट किसका हो रहा है, बी। ओल्ड रेशियो गिवन है, अभी देख सकते हैं आप ओल्ड रेशियो क्या गिवन है। ओल्ड रेशियो गिवन है आपका 6:4:5, मतलब 6/15, 4/15 एंड 5/15, ठीक है। इसमें से किसका रिटायरमेंट हो रहा है, बेटा बी का रिटायरमेंट हो रहा है। किसका रिटायरमेंट हो रहा है, बी का। तो आप ए और सी का निकालेंगे। न्यू रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो इज आल्सो गिवन। कितना गिवन है, 11:4, 11/15 और 4/15। चलो फटाफट रख दो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आपका है इनका 11/15 माइनस ओल्ड कितना था, 6/15। इनका देख लो बेटा, 4/15 माइनस 5/15। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो 15 एलसीएम हो जाएगा, 11-6:5/15। तो किसी भी गेनिंग का फार्मूला अप्लाई करते समय, जो फार्मूला भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर इस फार्मूला को अप्लाई करते समय आपका आंसर पॉजिटिव आता है तभी वो गेनिंग माना जाएगा, अदरवाइज क्या माना जाएगा, सेक्रीफाइसिंग माना जाएगा। यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई किया तो 4-5, माइनस का पोर्शन ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, 1/15। और 1/15 चूंकि माइनस में आएगा तो ये तो गेन हो रहा है सर, ये तो समझ में आ रहा है हमें, लेकिन ये रिटायरमेंट ना होता, देखो सी का रिटायरमेंट तो नहीं हुआ, सी फर्म में कंटिन्यू करेगा, स्पेशल केस है भैया, सी फर्म में कंटिन्यू तो करेगा, लेकिन सी फर्म में कंटिन्यू रहते रहते पहले इसका 4/15 था, सॉरी पहले इसका 5/15 था, लेकिन अब ये 4/15 पे आ गया, तो बेचारा रिटायरमेंट तो नहीं हो रहा है इसका, लेकिन इसने क्या कि अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर दिया। और आप कह सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो देखो बी का कितना था बेटा, 4/15, तो बी का 4/15 और सी का 1/15, टोटल 5/15 किसने गेन कर लिया, ए ने। सो दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए, जस्ट पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज सेक्रीफाइस पार्टनर। तो हु आर गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ही इज आल्सो सेक्रीफाइस, बट अ पार्टनर हु विल रिमेन विल कंटिन्यू फ्रॉम ऑफ द फर्म, दैट इज आल्सो सेक्रीफाइस। दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गेनिंग पार्टनर टू कंपनसेट द अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज अगर देयर आर एनी पार्टनर हु आर आल्सो सेक्रीफाइस। तो आप एंट्री पास करेंगे, इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे और एंट्री आपकी हो जाएगी, सबसे पहले लिखिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज गिवेन 1,80,000। सो हू शेयर ऑफ गुडविल, बी, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, बी शेयर ऑफ गुडविल। वन लैख एट्टी थाउजेंड का 4 बाई
15, देखिए यही ना 4/15, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये 12 टाइम जाएगा 48,000। फिर बात आई बी को तो मिलेगा, इसके बाद सी को भी मिलेगा क्योंकि सी ने सेक्रीफाइस किया, सी शेयर ऑफ गुडविल उसी 1,80,000 का 1/15 इसे सेक्रीफाइस किया, तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। फिर ए शेयर ऑफ गुडविल, अब जो सेक्रीफाइस किया वो डेबिट करिए अपने हिसाब से हो जाएगा, लेकिन शेयर तो सबका निकालना ही है। ए शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 का 5/15 तो कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, इंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो गेन कौन कर रहा है, सिर्फ ए गेन कर रहा है, तो मैं इंट्री यहां पे लिख देता हूं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 60,000 से, देखो 60,000 से टू बीस कैपिटल पहले रखिए आप, क्योंकि बी का तो रिटायरमेंट हो रहा है, पहले व्यवस्था इसी की करनी है, टू बीस कैपिटल 48,000, सी को भी देना पड़ेगा इसे, टू सीज कैपिटल अकाउंट 12,000। तो स्टूडेंट आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर सिर्फ किसी के रिटायरमेंट हो जाने पे या सिर्फ किसी के आने जाने से गुडविल का वैल्यूएशन तो होता है, पर पेमेंट उसी को होता है जो सेक्रीफाइस करता है और देना उसी को पड़ता है जो गेन करता है। तो स्टूडेंट इतना नोट कर लिए, फिर एक आध क्वेश्चन और बताऊं मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चन आपका हो चुका, आपने नोट भी किया होगा अच्छे से। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके बुक में जो है 26 है, ओल्ड बुक में, हो सकता है आगे पीछे हो तो आप थोड़ा क्वेश्चन मैच कर लीजिए, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, 26 है यहाँ पे क्वेश्चन, ओल्ड बुक में, न्यू में आगे पीछे होगा। सो ए बी सी एंड डी, अभी देखो चार पार्टनर है, मैंने चार पार्टनर की बात कर ले रहा हूँ, ए बी सी एंड डी, देर आर फोर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2:1, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, हाउ इट विल बी राइट, 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल का वैल्यूएशन जो किया गया वो कितना किया गया है, 3,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ए सी एंड डी डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वली। इसके बाद ए और सी, ये तो आपका हो गया ओल्ड रेशियो, ये आपका है ओल्ड रेशियो, न्यू की बात करें तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी, ये भी ध्यान दीजिए कि रिटायरमेंट किसका हो रहा है बेटा, रिटायरमेंट आपका हो रहा है बी का, तो बी के रिटायरमेंट के बाद यहाँ मैं बी को सर्किल कर देता हूँ क्योंकि बी का रिटायरमेंट हो रहा है, बी के रिटायरमेंट के जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू रेशियो दैट विल बी 1:1:1, ये दिया है क्वेश्चन में कि जो है जो फ्यूचर रेशियो होगा वो इक्वली होगा, या यू कैन सी कि आप देख सकते हैं इक्वली रेशियो आपको फॉलो करना है। ए सी एंड डी, बी तो गया, एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं गेनिंग रेशियो का फार्मूला, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस फार्मूले को। सो पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, किसका निकालते हैं, हमेशा पुराने पार्टनर का ही निकालते हैं, बचे हुआ पार्टनर कौन है, ए सी और डी, रिमेनिंग का ही निकाला जाता है, ए सी और डी, बी से तो कोई मतलब है नहीं। तो ए का न्यू, देखो न्यू कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3, तो 1/3, 1/3 और 1/3 सभी का न्यू है। ओल्ड कितना था, 4/10, 2/10 और 1/10, चलो निकाल लेते हैं फटाफट, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 30, तो 3 10 10 - 4 = 6/30। इसके बाद यहां देख लो, यहां भी एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, 10 - 2 = 8/30। यहां देख लो बेटा, यहां आपका 10 हो जाएगा, अब
10 माइनस 1 इक्वल टू 9 अपॉन 30। तो इस तरीके से जो है ओल्ड देख लो, न्यू आपने रखा 1 बाई 3, 1 बाई 3, 1 बाई 3, 4 बाई 10, 2 बाई 10 एंड 2 बाई 10। तो इस तरीके से आप, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, अदरवाइज जो है यहाँ देखो, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो 30 एलसीएम, 3 टेन जा 10 माइनस 10, 3 जा 3 12 इक्वल टू 2 बाई 30। यहाँ माइनस आ रहा है तो आप इसको ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। गेनिंग का फार्मूला यूज करते समय अगर आपका ब्रैकेट लगता है तो मतलब ये सेक्रीफाइस हो गया। क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। इसके बाद इसकी बात करते हो तो यहाँ भी एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। 10 माइनस 10 3 जा 3 2 जा 6 इक्वल टू 4 बाई 30। देख लीजिए 10 3 जा 30 एंड 2 2 जा 3 2 जा 6, तो 4 बाई 30 ये आपका तो गेनिंग हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। यहाँ भी देख लो बेटा 30 एलसीएम, 10 माइनस 10 3 जा 3 इक्वल टू 7 अपॉन 30। तो दो लोग जो है गेन कर रहे हैं और एक सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो बी जा रहा है वो तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर ही रहा है। अब आप निकालेंगे कि टोटल गुडविल इक्वल टू 3 लाख रुपी, कितना गिवन है 3 लाख। अब सभी का शेयर निकाल लीजिए। सो एक एक का पहले ए शेयर आप गुडविल यहीं से निकालेंगे, भी जो गेनिंग सेक्रीफाइस के हिसाब से सेट हो जाएगा उसको टेंशन की बात नहीं है। जो गेन करेगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेगा वो कर दो, बात अलग है। पहला सबका शेयर निकाल लीजिए। तो सो ए शेयर ऑफ गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 3 लाख इंटू शेयर इसका क्या क्या किया इसने सेक्रीफाइस अगेन जो भी किया हो 3 बाई 30, तो कर लेंगे 30,000 रुपये। बी शेयर ऑफ गुडविल, थ्री लैख इंटू 4 बाई 30, सॉरी बी का शेयर कितना था 3 बाई 10, तो क्योंकि वो जा रहा है ना पूरा सेक्रीफाइस करके, तो 3 बाई 10 कितना हो जाएगा 90,000। इसके बाद सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 3 लाख इंटू सी ने कितना किया 4 बाई 30, 40,000। यही ना देखो लिखा है 4 बाई 30। इसके बाद डी शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू नाउ अगेन 3 लाख इंटू 7 बाई 30। एक बार फिर से देख लीजिए, इनका 3 बाई 10 है बी का, तो बी का आपने 3 बाई 10 अप्लाई किया कि नहीं अप्लाई किया, 3 बाई 10 अप्लाई किया, इसको आपने निकाला तो 90,000। इसका देख लीजिए ए का कितना था, ए ने 2 बाई 30 गेन किया, कैसे है देखो 3 10 जा 10 माइनस 4 10 3 जा 4 जा 12, तो 2 बाई 30 आया था। तो इस तरीके से देख लीजिए ए का आपका है 2 बाई 30। बेटा यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, 2 बाई 30 ये यहाँ देखो, ये 2 बाई 30 है ना, तो हम 2 बाई 30 अप्लाई करेंगे, 2 बाई 30, 3 बाई 10, 4 बाई 30, और ये इसका कितना आ गया, ये आपका आएगा 20,000, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70,000। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, जल्दबाजी की बात नहीं है। ए ने सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया 2 बाई 30, यस लिखा है ए ने सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया 2 बाई 30। जो सेक्रीफाइस करता वो क्या होता है क्रेडिट। बी छोड़ करके जा रहा है वो भी सेक्रीफाइस करा, कितना सेक्रीफाइस करा 90,000, ये भी क्या हो जाएगा क्रेडिट। सी ने गेन किया, देखो जी लिखा है सी ने गेन किया 4 बाई 30, तो ये हो जाएंगे डेबिट। डी ने आपका जो है इन्होंने भी जो आपका गेन किया, तो ये भी क्या हो जाएंगे डेबिट। एंट्री पास कर दो, वर्ड एंट्री विल बी पास हियर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो मैं गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देता हूँ, हु इज गेन, सी और डी ने गेन किया है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके बाद डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
सी का कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा, 40,000 से, क्योंकि गेन किया इन्होंने। इनका 70,000 से। टू, एस कैपिटल सेक्रीफाइस करने की वजह से क्रेडिट 20,000। टू, बीस कैपिटल क्योंकि ये रिटायर हो रहा है अकाउंट 90,000। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इस पे आपने अप्लाई क्यों कर दिया 3/10, तो 3/10 का मतलब ओल्ड मत समझिएगा, 3/10 इन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, ये आपकी एंट्री है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा। और आई होप कि जो है आप पिछले वीडियोस में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो उसको आप वहाँ से कंसिडर करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।